हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने बगीचे का, टेरेस का 10 डेज बाद का ओवरव्यू दिखाने वाली हूँ कि 10 दिन बाद, कंस्ट्रक्शन शुरू होने के 10 दिन बाद मेरे घर के क्या हाल हैं, प्लांट्स के क्या हाल चाल हैं। तो आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं हैंगिंग बास्केट से। देखिए, हैंगिंग बास्केट तो सब अभी अच्छी हैं अभी, क्योंकि पानी इनमें दोनों टाइम डल रहा है। हालाँकि मुझे दूसरे घर में से कूद के आना पड़ता है यहाँ पर मेरी नेबर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो आप देखिए, प्लांट्स मेरे सही हैं और सब, मतलब जो सिस्टमेटिक जमे हुए थे ना, वो अब सारे क्लस्टर में कर दिए गए हैं। इधर इधर थोड़ी थोड़ी जगह करके सारा इकट्ठा रख दिया है। तो उससे दो फायदे हो रहे हैं, एक तो ये कि गर्मी तेज़ है, इकट्ठे क्लस्टर में रखे होने से इनको धूप का और गर्मी का असर नहीं हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे की मॉइस्चर और ठंडक इनको मिलती रह रही है, ठीक है। और विंटर वाले मेरे बहुत से प्लांट्स हैं जिनमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, सिर्फ इसी कारण क्योंकि इकट्ठे रखे हैं क्लस्टर में, धूप से थोड़ा दूर हैं, इसलिए उनमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है ना। ये देखिए, ये सब अच्छे चल रहे हैं, बहुत किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। वो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर का जो बगीचा था उसमें कुछ पेड़ दब गए हैं, लेकिन उनकी ब्रांचेस वगैरह मैंने निकाल ली हैं, कटिंग्स वगैरह, तो अब उनसे मैं दोबारा उनको रीग्रो कर लूँगी, है ना। देखिए, मेरे फर्न वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। ये टर्टल नेक वाइन है, ये भी टर्टल नेक है, ये स्पाइडर प्लांट है, आगे माउंटेन व्यू है। और ये मेरी हैंगिंग बास्केट्स हैं, सब बढ़िया चल रही हैं। आप देखिए, सब खूब अच्छी हो रही हैं। अब इनको आज किसी भी तरह से एक छोटा सा ग्रीन नेट बांध के, ये तो एक छोटे से पोर्शन में बंधा हुआ है जो मैं हमेशा बंधा ही रहने देती हूँ इतना, है ना। तो सोच रही हूँ आज एक पोर्शन में बांध के, और जो ज़्यादा धूप से बचने वाले ज़्यादा डेलिकेट प्लांट्स हैं उनको एक जगह रख दूँगी मैं। प्लांट्स सारे अच्छे हैं, देखिए सब पे खूब अच्छे। पिटूनिया जो है, ये समर पिटूनिया, ये बहुत अच्छा खिल रहा है ना। नींबू में फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। ये सब रोजेज़ हैं, सब बढ़िया चल रहे हैं। ये देखिए, इधर ये स्टॉक वगैरह हैं, ये लॉक्स पर, ये सब खूब अच्छे चल रहे हैं, है ना। ये अभी मैंने तुलसी के पौधे की आपको हार्ड प्रूनिंग और रिपोर्टिंग दिखाई थी, देखिए सब बढ़िया चल रहा है ना। और नीचे ये पोलका डॉट प्लांट्स हैं, ये सब खूब अच्छे हो। और मेरी वाटर प्रोपोगेशन जिन प्लांट्स की मैंने कर रखी है, वो भी सब बहुत मज़े में, बड़े हेल्दी वेल्दी वाइज। एक मैं ही थोड़ी ज़्यादा फिक्र कर करके रही जा रही हूँ। ये इधर देखिए, जरबेरा हैं, अब ये खाद मांगते हैं, अब इनमें आज शाम को डालूँगी खाद सब में, है ना। और ये देखिए, पेंटास वगैरह में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। गर्मी ज़्यादा तेज़ बढ़ती है ना, तो ये जो पर्सलिन है इसमें आते हैं फूल, और पेंटास में आते हैं। कम गर्मी रहती है तो थोड़े कम गर्मी वाले चलते रहते हैं। अभी ये तेज़ पड़ रही है ना गर्मी, तो ये जरबेरा को उठा के मैं ऐसी जगह रखूँगी जहाँ मॉर्निंग की या इवनिंग की एक दो घंटे की धूप मिले। तेज़ गर्मी के कारण आप देख रहे हैं इनमें फूल काफ़ी कम है ना। ये देखिए कम है, अब साइज़ भी थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन अभी साइड में रखूँगी ना जब इनडायरेक्ट सनलाइट में, तो इनमें वापस उतने ही बड़े बड़े और बहुत सारे फूल आने लगेंगे। ये हनी सकल वाइन्स हैं, पर्पल कलर की, और इनको मैंने लगाया था ग्रो बैग्स में था, ये अच्छी ग्रो कर रही हैं, लेकिन इनको बड़ा गमला चाहिए। तो आज मैं जाके दो तीन बकेट्स खरीद के लाती हूँ, बड़ी पेंट वाली बकेट्स होती हैं ना, वो इनके लिए अच्छी रहती हैं, क्योंकि नीचे से उनका बॉटम चौड़ा होता है और मिट्टी भी ज़्यादा आ जाती है और उसमें पानी भी ज़्यादा देर तक रहता है। सारी बेलों को ना पानी थोड़ी ज़्यादा देर तक चाहिए होता है, देर तक चाहिए होता है इसका मतलब कि मिट्टी उनमें ज़्यादा देर नमी रहे। सौगी मिट्टी नहीं चाहिए, वेल्डन ही चाहिए, क्योंकि सौगी मिट्टी में पानी स्टैंड होने वाले गमले में प्लांट बचेगा नहीं, रूट रॉट हो जाएगा, है ना। सकुलेंट्स को बचाना, उन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सकुलेंट का जो हीट टॉलरेंट का टाइम होता है वो होता है 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होने लगता है हाई, तो आपको चाहिए कि इनको कहीं सेफ जगह पे रखें, जहाँ पे कि इनके ऊपर कम धूप पड़े। बेशक आप ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं, या शेडेड एरिया में ऐसी जगह जहाँ पे कि इनके ऊपर हल्की सी धूप पड़ जाए एक दिन में, एक आध घंटे के लिए, या बड़े पेड़ों के नीचे, है ना। अभी देखिए, मैंने इनको लगा रखा है यहाँ पर, इनका मैं कल इंतजाम करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। क्योंकि जो टफ है, जैसे ये वाला है, ये हैं, ये हैं, ये तो टफ हैं, इचीवेरा ये वाला भी टफ है, लेकिन कुछ मतलब डेलिकेट होते हैं, जैसे ये है डेलिकेट, है ना। और दिखाती हूँ आपको, जैसे ये है स्ट्रिंग अप बनाना, ये भी बहुत डेलिकेट है,
और ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इनको ऐसी जगह मुझे रखना पड़ेगा जहाँ इनके ऊपर इनडायरेक्ट सनलाइट मिले। रखी वैरायटी वाले और कैक्टस सब खुली धूप में रखें, इनका कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल अच्छे चलते रहेंगे। इनफैक्ट इस टाइम भी बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। आप ये देखिए कितना अच्छा घना हो रहा है, इसमें भी नीचे से बहुत सारी नीचे से निकल रहे हैं बेबी प्लांट्स, है ना। ये गेस्ट एरिया, ये देखिए धूप में रखा था ना, ये इसको ज़्यादा तेज धूप नहीं बर्दाश्त होती। आप देखिए ये इसके पत्ते रेड हो गए हैं, जल से गए हैं, है ना, इसलिए मैंने इसको अंदर उठा के ऐसी जगह रखा है जहाँ इसके ऊपर एक आध घंटे की धूप पड़े। जो इसके साथ के और प्लांट्स है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये इसमें रखे हुए हैं शेल्फ में, और यहाँ पॉलीथीन से कवर्ड हैं सारे, देखिए ये सब अच्छे ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं ना, बड़े हेल्दी। तो ये फ़र्क पड़ता है ज़्यादा तेज़ धूप में रखने का और कम धूप में रखने का। और ये वाला देखिए, इस सकुलेंट में फ्लावर्स हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम आएंगे, एक बार फूल देखूँ फिर इन्हें तोड़ दूँगी, क्योंकि फूल बनते हैं फिर सीड्स बनते हैं तो प्लांट मरने लगता है, ये इनकी खासियत होती है। हवर्थिया में भी बहुत इसकी सारियाँ दिखाती हूँ, ये हवर्थिया में, ये वाले हवर्थिया में देखिए आप बढ़ रही ना, बढ़ सकती हैं, अच्छी स्पाइक निकली हुई है और पीछे भी बढ़ रही है। अभी इनमें भी फूल खिलता है, बहुत छोटा छोटा सा रेड से कलर का फूल खिलता है। और ये मेरा हैंगिंग वाला, अब इसको तो सब निकालना पड़ेगा क्योंकि सारे इसमें लगे हुए थे पेंसी, और इनका सीजन चला गया, डेजी और पेंसी थे, अब समर वाले प्लांट्स लेकर आऊँगी। एक दो दिन में मुझे नर्सरी जाना ही पड़ेगा, जो मैंने सीड्स लगाए ना उसमें से बस दो ही तरह के सीड्स निकले हैं, तो ये निकले हैं कॉम्फ्रेना के, और इधर ही मैंने वो भी लगाए हुए थे जीनिया, वो कोई से नहीं होंगे। एक और दिखाती हूँ, ये लगाए थे मैंने मॉर्निंग ग्लोरी, ये बहुत अच्छे हो गए हैं, अब इनको रिपोर्ट करना है, ठीक है। और इसमें भी मैंने सीड्स लगाए थे बॉल्सम के, एक भी नहीं होगा, ये भी। तो इसलिए ना सीड्स लगाने का कुछ पता नहीं होता, पूरा पूरा पैकेट लगा दीजिए, कई बार उग जाते हैं कई बार नहीं उगते, इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि आप अच्छा रहे बनी बनाई पौध ले लीजिए। ये मैंने लगाई हुई थी नागचंपा की कटिंग, ये देखिए ये भी अच्छी लग गई, इसको भी बड़ा पॉट चाहिए। और ये मैंने बीच से लगाया था सहजन ड्रमस्टिक, है ना, ये उसका प्लांट लग गया है, पॉलीथीन में लगा हुआ है, अभी देखिए अच्छा हो रहा है, इसको भी पॉट में निकालती हूँ। अभी रोजेज अच्छे खिल रहे हैं मेरे, लेकिन साइज सबके छोटे हो गए गर्मी के कारण, है ना, ये देखिए सबके साइज छोटे हो गए, खिल खूब रहे सारे, देखिए साइज सबके छोटे हो गए, फूल खूब खिल रहे हैं, है ना। ये ब्लू डेज यहाँ रख के तो बड़े मज़े में आ गया है। ये सारी जो है लेमन ग्रास है, ये सारी लगी हुई यहाँ पर, और ये मैं आपको दिखा रही थी बॉल्सम लगे हुए हैं ये सारे, और ये देखिए इसमें फूल कल आया है, ये फूल ये देखिए, है ना, अभी बर्ड्स इसमें आ रही हैं, फिर खिलेगा तब बताती हूँ मैं आपको कैसा खिलेगा। एक और है, ये इम्पेशेंसी है ये भी, और ये तो वो मोमुलेंस नया प्लांट आया था इस बार, ये वो लिया था, इसकी एक ही हैंगिंग बास्केट बची अभी। इस साइड ये सारे पंचवटी यानी ये भी रखे हुए हैं, पंचेटिया और अजेलिया, इनमें भी फ्लावरिंग अच्छी खूब अच्छी हो रही है। ये इधर पिटूनिया खिल रहे हैं, सब प्लांट रखे अव्यवस्थित हैं लेकिन फ्लावरिंग हो रही है सब में और सब अच्छी सेहत में। नीचे वाले कुछ प्लांट्स का हुआ है नुकसान, वो देखा जाएगा अभी। और ये इस साइड लगे हुए हैं सारे एडेनियम्स, इनमें सब में देखिए अच्छी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है ना। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो मेरे बगीचे की हालत का आपको ठीक लग रहा होगा, और कोई सजेशन है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।